जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खातोली क्षेत्र में किसी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार सीआरपीएफ के जवान की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय जवान संदीप कुमार मोटरसाइकिल से अपने पैतृक गांव मोगपुर से खातोली जा रहे थे। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु मौके पर हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि संदीप की तैनाती इन दिनों जम्मू कश्मीर में थी। वहां 3 दिन पहले छुट्टी पर गांव आए थे। जैसे ही उनके परिवार को उनके शहीद होने की खबर मिली तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि रास्ते में अपनी जान गंवाने वाले वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि सैनिक की मौत पर देश ही नहीं पूरा गांव भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।